चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें डिवाइड करना है, तो एक पॉलिनॉमियल से एक जी एक्स से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनॉमियल पी एक्स बाय द पॉलिनॉमियल जी एक्स, मतलब इसमें से इसमें डिवाइड करना है एंड फाइंड द क्वोशेंट और रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लूइड। इसका क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चलिए इसमें इसमें डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स वाले लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे टू है तो यहाँ टू एक्स होगा, इसे इसे इंटू करेंगे तो हम यहाँ टू एक्स इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, अगर इस यहाँ पे टू एक्स होता तो स्क्वायर हो जाता है, इसे इंटू करने तो हम इसको यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे टू एक्स इंटू करने इसके साथ में लिखेंगे। देखिए जिसकी डिग्री सेम हो उसके साथ नीचे लिखते हैं। ठीक, अब इसका बदलेंगे, यहाँ प्लस है, ऑलरेडी प्लस रहता है, कोई चीज़ नहीं है तो प्लस रहता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता, तो प्लस माइनस कट गया तो आया कितना। पहले हम ये डिजिट देखते हैं, पहला डिजिट हमारा कटना चाहिए, चाहे जो है आपको उसे से इंटू करना है, इसमें से इसमें इंटू करना है, फिर पहला डिजिट कटना चाहिए। तो यहाँ बचा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स गया, कितना बचा, प्लस थ्री एक्स बचेगा। बड़े का चिन्ह लगता है, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर माइनस है, फाइव फाइव पाँच में से दो गए, तीन बचा, फिर माइनस थ्री। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो अगर हम एक्स लगा देंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगाए तो माइनस थ्री बार ले जाएंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो प्लस प्लस माइनस कट गया, और यहाँ बचा टू, टू थ्री जै सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक, तो थ्री एक्स माइनस बड़े का चिन्ह है, ठीक, छः सिक्स बड़ा है, थ्री बड़ा, सिक्स बड़ा है ना, तो इसमें माइनस लगाया तो बड़े का चिन्ह माइनस हुआ, तो माइनस सिक्स और माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस नाइन होगा, थ्री एक्स माइनस नाइन, यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन एंड क्वोशेंट इसको कहते हैं, क्वोशेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, हम दूसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन में पी एक्स हमारा एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एंड जी एक्स माना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया है पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू में से एक्स का इंटू करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स लगेगा, तो ये माइनस यहाँ प्लस चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस 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 होता है तो पाँच दो सेवन एक्स हो जाएगा। मैं देखा फिर कैसे गलत हो गया, सेवन एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे सेवन एक्स। ठीक, हमारा यही सेवन एक्स माइनस नाइन रिमाइंडर हो जाता है, सॉरी दोस्तों गलती की है। और दूसरे क्वेश्चन में डिवाइडेड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसका इसका डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर, तो एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस। अच्छा हाँ, इसको हमको मैंने क्या बताया था पहले कि डिग्री जो रहती है पहले सबसे बड़ी डिग्री की, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री हमारी एक्स स्क्वायर होगी, फिर माइनस एक्स होगी, फिर प्लस वन होगा, तो माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक, इसका डिवाइडेड बाय इतना, तो एक्स स्क्वायर में इतना हो गया, माइनस एक्स क्यूब, क्यूब तो दोस्तों दिया ही नहीं है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक, माइनस एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर कट गया, ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके बाद कितना है, वन वन एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कितना प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले लिखेंगे तब इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये माइनस हो गया, इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो हम यहाँ एक्स बार ले जाएंगे। ठीक, तो प्लस एक्स एक्स क्यूब, ठीक, और यहाँ माइनस एक्स है, प्लस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वन है, यहाँ सिर्फ एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, प्लस हो गया, प्लस है, माइनस होगा, यहाँ प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, बड़े कठिन लगता है, फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, यहाँ प्लस फाइव, तो हम ले जाएंगे अब थ्री बार, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक, प्लस प्लस पाँच तीन आठ बच गया, तुम्हारा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर
इक्वल टू कितना आया, 8 आया। और क्वेश्चन टू इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया, हमारा दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x2 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको भी वही डिग्री, जो बड़ी डिग्री उसको पहले रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें माइनस माइनस इंटू कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, इसमें माइनस अगर हम इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। इसका इसका हम डिवाइड करेंगे। ठीक, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है माइनस से इंटू करने के लिए, हम इसका और इसका भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो पता एक्स की पावर 4 प्लस में होगा, ये माइनस हो गया, कट हो गया। और यहाँ पे 2 है तो 2x स्क्वायर होना चाहिए, 2x स्क्वायर है नहीं तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस हो जाए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2 माइनस बाहर ले जाएंगे तो माइनस 2 होगा, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे माइनस हो गया, कट हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे आया माइनस 5x प्लस 10। ठीक, अब यहाँ हम ले जाएंगे, जाएगा नहीं, यही हमारा क्वेश्चन टू होगा। तुम्हारा रिमाइंडर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड क्वेश्चन टू हो गया, क्वेश्चन टू हो गया, ये हमारा रिमाइंडर होगा माइनस 5x प्लस 10। दोस्तों मैं कहीं देख नहीं रहा, अपने मास्क लगा रहा हूँ, थोड़ी गलती होगी। और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, जो कि कह रहा है चिक वेदा द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा अगर 0 आ गया तो समझ लो ये इसका फैक्टर ये है, यस, अगर नहीं आया तो नो। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल है फैक्टर, मैं पॉलिनोमियल तो ही है फैक्टर इसका है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसका इसका डिवाइड, टी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक, टी स्क्वायर यहाँ 2t की पावर 2 बार ले जाना है, तभी 2t की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 3 इसमें स्क्वायर होगा, तो माइनस 3 6 6 t स्क्वायर, ये माइनस हो गया, कट गया, यहाँ प्लस हो गया, तो क्या बचा, 3t की स्क्वायर क्यूब माइनस प्लस हो गया, बड़े का चिन्ह 6 4t की स्क्वायर माइनस 19 माइनस 12। ठीक, अब कितने डिवाइड इंटू करते हैं, 3 से प्लस 3t। ठीक, तो यहाँ पे 3t का क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 का 90 हो जाएगा, ये देखिए 90 यहाँ पे, यहाँ पर भी तो ये माइनस हो गया कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 4t का स्क्वायर माइनस 12, तो हम यहाँ से प्लस 4 का करेंगे, तो 4t स्क्वायर हो गया, 3 4 12 माइनस 12 हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हमारा बच गया, रिमाइंडर 0 है, तो यस लिखेंगे क्या, यस दिस इज डिवाइडेड बाई फैक्टर, यस दिस इज डिवाइडेड बाई फैक्टर पी एक्स एंड जी एक्स। दोस्तों पी एक्स और जी एक्स जानते हैं आप, पी एक्स मतलब ये वाला बड़ा वाला पार्ट, और जी एक्स मतलब जिसे डिवाइड करें, टी एक्स इसका माइनस 3 हमारा जी एक्स हो गया, और ये वाला हमारा पी एक्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया है जी एक्स, और 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हमारा पी एक्स दिया है, इसमें इसमें डिवाइड करना है। ठीक, तो हम चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स पावर 4 है तो 3x स्क्वायर बार ले जाएंगे तो 3x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3x है, यहाँ 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसका इसका 10 3 का 9x क्यूब, यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, ये माइनस हो गया, माइनस 4x के यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब आएगा, क्यूब हो गया 4x क्यूब हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस होता है, 7 10 10x स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x बचा, प्लस 2 बचा, अब कितनी बार 4 है तो यहाँ माइनस 4x वाले जाएंगे, माइनस 4x क्यूब
फिर यहाँ माइनस फोर एक्स के बाद यहाँ 3 है, 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस फोर एक्स, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगेगा 6x प्लस 2, तो हम 2 बाहर ले जाएंगे, प्लस 2, तो 2x स्क्वायर हो गया, 3 6x हो गया, 1 2 से 2 हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कट कट कट, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे यस, इसका आंसर यस होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय फैक्टर पी एक्स एंड जी एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, x³ - 3x + 1, ये हमारा जी एक्स दिया है, और पी एक्स x⁵ 4x³ + x² + 3x + 1 दिया हुआ, ठीक। इसको हम डिवाइड करते हैं, x²-3x+1 डिवाइडेड बाई x³ - 4x³ + x² + 3x + 1, तो x³ यहाँ है, x² बार ले जाएंगे, तो x⁵ आ गया, यहाँ -3x है, -3x³, इसका इसका इंटू करेंगे तो -3x³ हो जाएगा, +1 है, x² आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया कट गया, यहाँ माइनस हो गया कट गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -x³ बचेगा, +3x बचेगा, +1 बचेगा, ठीक। अब यहाँ -x⁻¹ बार ले जाएंगे, तो यहाँ -x³ हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये तो ये कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 2 बच गया, रिमाइंडर इतना मतलब 2 बच गया, ठीक। बहुत लोग बिना गलती से बिना साइन चेंज किए ही कट कर देते प्लस माइनस, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, लेकिन पहले साइन चेंज कीजिए तब काटिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं, तो ये रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए नो, दिस इज नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टर पी एक्स एंड जी एक्स, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन, आप चले क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज में देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिया है, ऑप्शन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x²+6x³ - 10x-5, ये हमारा पी एक्स हो गया, और 2 जीरोज इसका दिया है, एक्स √5/3 और माइनस √5/3, 2 जीरोज मतलब x²/3 एंड x²-5/3 दिया है, ठीक। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, एक्स माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। दोस्तों आइडेंटिटी वही वाले, इसका माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का इक्वल टू इसका माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो x²-5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके बाद आइडेंटिटी हम यूज करते ही आएगा, तो अब फिर x²-5/3 हो जाएगा, √2 कट जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, पूरे में एलसीएम लेंगे, 3x²-5=0, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो हमारा जी एक्स आ गया 3x²-5, तो पी एक्स हमारा ये है 3x²+6x³-2x²-10x-5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 3x-5/3x³+6x³-2x²-10x-5, ठीक। अब कितनी बार ले जाएंगे हम, 3x² वाले जाएंगे, तो यहाँ 3 है, 3x⁴ हो जाएगा, -5x² हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस हो गया, 6x³ हो गया, यहाँ प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह 3x² आ गया, -10x-5 है, ठीक। अब कितने बार ले जाएंगे, यहाँ पे हम 2x बार ले जाएंगे, तभी तो 6x³ आएगा, 2x³+5 - 10x, ठीक। यहाँ माइनस हो गया, कट हो गया, प्लस हो गया, कट हो गया, 3x² - 5 बचा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, यानी +1, 3x²-5, पहले रिमाइंडर सब 0 आ गया, सॉरी दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ गया, अब मैं इसका फैक्टराइज निकालूंगा, ठीक। जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आने के बाद इसमें पूरे का हमको फैक्टराइज निकालना है, ठीक। अब चलिए इसको निकालते हैं, फैक्टराइज x²+2x+1, मैंने फैक्टराइज में क्या बताया था, 2.2 में बताया था कि इसको इसको इंटू करने पे और इसका जितना इसका एलसीएम लेने पे, यानी हम इसका इसका इंटू 1 करेंगे, एलसीएम 1 आएगा, तो x+x कर लेंगे, x+x+1, तो इसमें x कामन लेंगे, तो x+1 बचा, इसमें 1 कामन लेंगे, तो x+1 बचा, इसमें x+1 कामन ले लिए, x+1 बचा, तो x+1=0 हो जाएगा, x+1 -1 x-1 दोनों मतलब
टू अदर रोड्स आर, इसमें माइनस वन माइनस टू लिखेंगे हम, टू अदर जीरोज आर, टू जीरोज दिया है और टू अदर जीरोज निकालने लग कहा था, तो टू अदर जीरोज आर माइनस वन एंड माइनस वन, यही हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ नेक्स्ट पेज में देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं अनडिवाइडिंग मतलब हमारा पी एक्स है बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल जी एक्स से इतना डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशेंट ई एक्स माइनस टू होगा और रिमाइंडर माइनस टू एक्स प्लस फोर होगा। ठीक, तो हमको कौन सा पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी बताना है फ्रेंड जी एक्स। तो हमारा पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू दिया हुआ है, और जो आर एक्स कितना दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस फोर, एंड क्यू एक्स कितना दिया हुआ है एक्स माइनस टू, और जी एक्स हमको निकालना है। इन चारों में रिलेशन हमको पता है, यानी वी नो दैट चारों का रिलेशन क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक फार्मूला ये एक प्रकार से जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये फार्मूला आप याद कर लें। पी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और जी एक्स हमको निकालना ही है, इंटू क्यू एक्स हमारा एक्स माइनस टू दिया हुआ है प्लस आर एक्स कितना दिया है माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू इसका प्लस फोर माइनस फोर हो जाएगा, ये कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस टू हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू जी एक्स एक्स माइनस टू। अब जी इसको इधर लाएंगे तो यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस टू हो गया टू जी एक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें ठीक, तभी हमारा जी एक्स आएगा। तो अब डिवाइड करते हैं एक्स माइनस टू में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस हो गया प्लस हो गया, हमारे यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस थ्री एक्स माइनस टू बचा, अब माइनस एक्स बार लेके जाएंगे या माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस टू एक्स हो गया, ये प्लस हो गया कट हो गया माइनस हो गया, तो हमारा एक्स माइनस टू आएगा। ठीक, तो हम प्लस वन बार ले जाएंगे तो एक्स माइनस टू, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया कट के रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हमारा जी एक्स है, इसका इसका डिवाइड कर दीजिए, इसका इसका डिवाइड करना पिया है जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी ना समझ में आया हो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उसके फिर वीडियो बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। और क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें आंसर पीछे बुक में दिया हुआ है, वैसे भी एग्जाम कभी पूछता नहीं, आंसर कभी आया नहीं है, पूछ भी नहीं सकता, अगर आपको लगाना चाहते तो आंसर पीछे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि ऐसा केस है कि डिग्री पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल हो, तो उसके लिए पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल हो, डिग्री क्यू एक्स और पी एक्स और ये इक्वल हो, नहीं पी एक्स और ये इक्वल हो, ठीक, तो यहाँ वन होना चाहिए, और जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स इक्वल हो, यानी क्वेश्चन टू रिमाइंडर इक्वल हो, और डिग्री आर एक्स इक्वल टू, ये थर्ड वाला क्वेश्चन अगर यही आपका दे रहे तब तक भी सही है, डिग्री आर एक्स इक्वल टू जीरो का है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पीछे आंसर सीट दिया उसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, आपको लगाने मन हो पीछे आंसर सीट दिया उससे लगा दीजिए, यहाँ कहीं भी ना समझ में आओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।